एवरीवन, माय नेम इज शनाया कटियार, मैं कानपुर से हूँ और आज मैं मिलने आई हूँ एक्टर सिद्धार्थ निगम से। मैंने इनका सीरियल देखा अलादीन, तब से मैं बहुत बड़ी इनकी फैन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे मिली हूँ सर। शुक्रिया। मुझे कभी सपने में भी नहीं था कि मैं शायद किसी ऐसे एक्टर से मिलूंगी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जैसे आपकी बॉडी लगा कि जिम विम आप जाते हैं, डाइट फॉलो करते होंगे, और मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो मैं बस आपसे इतना पूछूंगी कि आपका फेवरेट फूड क्या है। सच कहूँ मेरा फेवरेट फूड क्या है, मतलब कोई ऐसा मानेगा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा ना ऐसा फैंसी फूड वूड नहीं खाता हूँ, ना ही ज़्यादा जंक फूड खाता हूँ। मेरा फेवरेट है एनी टाइम दाल चावल। मेरा भी दाल चावल। दाल चावल एनी टाइम, कभी भी दिन रात सुबह कभी भी खिला दो खा लो। तो मुझे लगा आप डाइट फूड। दाल में कितना प्रोटीन होता है आपको पता है, दो कटोरी दाल पी लो, देखो कितना अच्छा प्रोटीन मिलेगा। आपने अपने आप को फिट करके रखा हुआ है। तो मैं सिर्फ दाल चावल नहीं खाता ना, फिर और भी चीजें खाता हूँ, मेरा फेवरेट दाल चावल। दाल चावल तो माँ के हाथों से ज्यादा अच्छा बनता है। माँ के हाथों का तो सब अच्छा होता है, कुछ भी बनाती है तो अच्छे बनाती है, कभी कभार वो गड़बड़ करती है तो बोल देते हैं मम्मी अच्छा नहीं बना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। और मुझे कभी नहीं था कि शायद मैं आपसे मिलूं। अरे नहीं, ऐसा नहीं। ऑल द बेस्ट। मेरा नाम रवि और मैं अहमदाबाद से हूँ, और मेरा सिद्धांत निगम से सर से ये सवाल है कि जैसे आप एक्टर हैं, तो एज एक्टर बहुत सारे रील स्टार भी आजकल रील स्टार है जो उभर के आ रहे हैं, तो आपको कौन सा रील स्टार पसंद है और क्यों पसंद है? मुझे तो मैं ही पसंद हूँ। आप तो वही सर, उसके अलावा? नहीं नहीं यार, देखो मैंने ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ये सबके लिए, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ पर्टिकुलर बंदा स्टार है, वहाँ पे सब स्टार हैं और सब अच्छे हैं। इट मैटर ये करता है कि आप सोशल मीडिया पे क्या बना रहे हैं और आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो हम सबके हाथों में है और हमसे कोई वो छीन नहीं सकता। हम जब तक चाह नहीं सकते तब तक ना ही वो कोई अनइंस्टॉल कर सकता है ना ही कोई इंस्टॉल कर सकता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल टूल विच वी हैव, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जितना अच्छे से यूज़ करेंगे, जितने अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, वही लोग स्टार हैं। राहुल सोडी, आई एम राहुल सोडी, अम्बाला चंडीगढ़ से हूँ मैं। वैसे तो मेरा वर्कशिप में रहता है इंडियन मर्चेंट में एज ए ऑफिसर है, बट सर से मिलने के लिए मैं मुंबई से आया। बहुत सच में रियली आई अप्रिशिएट एंड इंस्पायर मिलती है जो उनसे हार्ड वर्क को देख के, बहुत स्ट्रगल रहे हैं, और इनके जो भाईजान, किसी का भाईजान और लोगों के दिल में बसने वाले, मेरे भी दिल में बसने वाले इस देश की शान। अरे भाईजान, थैंक यू। थैंक यू। और सलमान सर को भी बहुत दिल से बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उनका दिल बहुत अच्छा है, मुझे भी मौका दिया अपनी फिल्म में। सर, और आप सर रियली आई अप्रिशिएट, और माँ के लिए कुछ शब्द है ऐसे मेरे लिए जी, प्लीज, क्योंकि अभी दो मंथ पहले मेरी मोम एक्सपायर हो गया, और जैसे एक माँ से सीख मिलती है कि माँ ही आगे बढ़ाती है, कि एक गिरते हुए को उठना सिखाती है, एक गिरते हुए को उठना सिखाती है, रोते हुए को हंसना सिखाती है, एक माँ ही होती है जो जिंदगी में सबसे पहले जीने का तरीका सिखाती है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत। मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे कि जैसे मेरा डेस्टिनेशन शिप में रहता है, ट्रैवलिंग का रहता है, तो आपका डेस्टिनेशन जहाँ आप चाहते हो कि बस मुझे वहाँ जाना है, या फिर आप फ्री हो या फिर कुछ बोर होगे कि मतलब प्लेस, हाँ जी हाँ जी, कौन सा फेवरेट? मेडिटेशन वाला टाइम जो होता है, चिल वाइब वाला टाइम, वो कहाँ मोस्टली जाता हूँ? हॉलीडेज या फिर हॉलीडेज पे कहाँ जाता हूँ? वैसे तो मेरी फेवरेट प्लेस मालदीव्स है, क्योंकि मुझे नेचर से बहुत प्यार है और मालदीव्स में बहुत सुकून है वहाँ पे, एंड नेचर वहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब पेड़ पौधे पानी वहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे आइलैंड्स हैं, तो इसलिए मोस्टली मैं मालदीव्स जाता हूँ। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है जी आपसे कि जैसे आपके एल्डर ब्रदर अभिषेक निगम जी हैं, उनकी मूवी देखी मणिपद में, उनका भी एक कैमरा बहुत एक्ट बहुत बढ़िया रहा, आपकी तरह सुंदर फेस दोनों कैमरे पे, वो हमें देखने को कम मिलेंगे सर, आप दोनों ही सुंदर हो, और रियली कि जितना देखो उतना ही आप रियली बहुत ज़्यादा हो, और आपके ब्रदर भी। तो मैं पूछना चाहता हूँ सर कि दोनों चेहरे कब आएंगे कि सामने देखने का वो टाइम कब मिलेगा एक साथ में फ्रेम? अभी देखिए, हमने एक शो किया था हीरो गायब मोड ऑन, जिसमें हम दोनों साथ में आए थे, और वो हीरो प्ले करते थे, मैं शिवाय प्ले करता था, तो ऐसे ही फिर से कुछ अगर बड़ा यू नो कुछ हम चाहते हैं जब दोनों आए साथ में, तो कुछ बड़ा लेके आए ताकि आप लोगों को खुश कर सकें। थैंक यू। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आई जैन, आई एम फ्रॉम एमपी बुंदेलखंड। मेरा सिद्धार्थ निगम से प्रश्न यही है कि
जो आपने किसी का भाई किसी की जान में राघव और सेना जो उसमें से आप कौन सा फेवरेट है? राघव और सेना यार दोनों मेरे फेवरेट हैं। राघव भाई भी मेरे बहुत फेवरेट हैं, एकदम भाई जैसे हैं, और शहनाज भी, दोनों बहुत इन पर्सन ऑल्सो बहुत ही रियल हैं, और बड़ा मज़ा आया उनके साथ शूट करके, राघव भाई के साथ भी और शहनाज के साथ भी, और मेरे नहीं आदि हम सबके फेवरेट हैं दोनों ही, किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल है। और आप थोड़ा सा अश्नूर कौर के बारे में कुछ बताइए। अश्नूर कौर के बारे में, अश्नूर तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम लोग एक दूसरे को बड़ी बुलाते हैं, और हम लोग एक ही सेम बिल्डिंग में भी रहते हैं, तो रोज़ मिलना भी हो जाता है, एंड शी इज़ माई लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड, और हम लोग एक दूसरे को बड़ी बुलाते हैं, तो शी इज़ माई बड़ी, जब भी मिलते हैं तो वी ऑलवेज से यो बड़ी, व्हाट्सअप बड़ी, वैसा चलता है। थैंक यू सर। सो हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष चौधरी, आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो आप देख सकते हो कि सिद्धार्थ निगम सर आए, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो आपको किसी का भाई किसी की जान, इसमें आप फिल्म में लव का रोल कर रहे हैं, तो आपको ये फिल्म कैसी मिली? ये फिल्म मुझे सलमान सर ने खुद ऑफर करी, और आई फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि इतना, मतलब ये मैंने भी कभी, जैसे अभी इन्होंने बोला ना कि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे से मिलेंगे या किसी एक्टर से मिलेंगे, वैसे मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ अजूबा या फिर चमत्कार होगा, बिकॉज ये मेरे लिए देखा जाए एक तरह का मैजिक ही है कि ऑल ऑफ सडन सलमान सर हिमसेल्फ कॉल्ड मी फॉर दिस मूवी कि कम वी आर डूइंग दिस फिल्म, और इसमें एक कैरेक्टर है भाई का, एंड आई थिंक यू आर सूटिंग टू दिस कैरेक्टर, तो मुझे फिल्म डायरेक्टली मिली। इसका मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ऑडिशन नहीं दिया मैंने, बस उन्होंने मेरा लुक टेस्ट एक लिया था कि मैं कैसा दिखूंगा कैरेक्टर में, दैट्स इट। और सेकंड ये कि आपके बालों का राज बताओ। सही में आपके बाल मेरे मेरे बालों का राज तो मुझे भी नहीं पता यार, ये नेचुरली है जो है, और मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब देखो जितने भी मुझे अच्छी हेयर स्टाइल लगती है ना, मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छा कुछ अपना भी लुक रखूँ मैं, एंड बालों का राज ऐसा कुछ है नहीं, बस हेल्दी खाना खाओ और टाइम टाइम पर अपने बालों पर ध्यान देते रहो, और मैं अपना ख्याल खुद से रखता हूँ, जब भी यू नो हफ्ते में एक बार अच्छे से वॉश वॉश कर लेना होता है, और थोड़ा तेल वेल जैसे मम्मी लगाती थी ना बचपन में, सर पे तेल वेल लगा के अच्छे से, तो तेल वेल लगाते रहो, सब अच्छा रहता है बाल बाल। और आपका फेस और वैसा फेस का कैसे आप ध्यान रखते हो, फेस का कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो? नहीं नहीं देखो भाई, सिर्फ शूट के वक्त मेकअप लगाता हूँ मैं, और ऐसे अपनी नॉर्मल जिंदगी में ज़्यादा मैं प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, मैं बहुत सिंपल पानी से मुँह धुलता हूँ, फेस वॉश तक ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं, पानी से मुँह धुलता हूँ, और अभी जब हम शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप होता है, लाइट्स होती हैं, जिसकी वजह से ना फेस को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, तो उसके लिए एक दो प्रोडक्ट होते हैं जो जो हमारी डॉक्टर होती हैं उनके पास जाते हैं, वो जो सजेस्ट करते हैं वो लगाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।